निवर्तमान बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह का भदोही में तबादला होने के बाद जनपद में शनिवार को नवागत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए नवागत बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि नए सत्र को सुचारू रूप से संचालित करना, छात्रों और शिक्षकों में आपसी सामंजस्य बनाना तथा शासन की योजनाओं को सुचितापूर्वक संचालित करना ही मुख्य प्राथमिकता होगी। बीएसए आरके सिंह ने बताया कि इसके पहले हमारी पोस्टिंग सहारनपुर में थी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपने शिक्षक भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि शासन द्वारा जो भी योजनाएं हमारे विभाग में संचालित है उन योजनाओं को सकुशल धरातल पर लाएं। इसके अलावा शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं उनका 100% समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यालय के कर्मचारियों के सहयोग के साथ हम गोरखपुर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम सिटी के वजह से मुख्यमंत्री जी का जो भी सपना होगा उसे विभाग पूरा करेगा तथा मिशन प्रेरणा के माध्यम से बच्चों तक घर घर शिक्षा पहुंचाएंगे और सभी स्कूलों को प्रेरक स्कूल बनाए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह ने कहा, इसके पहले हमारी पोस्टिंग सहारनपुर थी और हम गोरखपुर जनपद में आए हैं। मैं सबसे पहले मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे विभाग की जो भी योजनाएं चल रही हैं उस योजना को 100% धरातल पर लाएं और मैं उनको ये भी मतलब आपके माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान मैं 100% करूँगा। कार्यालय के सभी कर्मचारियों को और जो हमारी ERPSRG की टीम है पूरे सहयोग के साथ हम गोरखपुर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। मीडिया के सम्मानित बंधुओं से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी हमारे विभाग के अच्छे कार्य हैं उसको वो लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रेजेंट का एक युग है तो उसको कहीं ना कहीं प्रेजेंट कराएं और अगर कहीं हम लोगों से कोई मिस्टेक होती तो हम लोगों को सचेत भी करें, क्योंकि वो हमारे चतुर्थ स्तंभ हैं, हमारे आँख कान नाक हैं। पर भी किसी से कोई किसी भी प्रकार की मिस्टेक होती है तो उसको सचेत करें, उसमें हम लोग सुधार भी करेंगे और विभाग की जो भी योजनाएँ हैं उसको हम 100%, चूँकि जिला हमारे माननीय मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो भी उनके सपने हैं बेसिक शिक्षा विभाग का, जो उन्होंने सपना देखा है कि ऑपरेशन कायाकल्प में स्कूलों को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग बनाएं, मिशन प्रेरणा जो लॉन्च है मिशन प्रेरणा के माध्यम से हम बच्चों तक घर 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 तक शिक्षा पहुंचाएं और सभी स्कूल को प्रेरक स्कूल बनाएं। चूँकि इस समय COVID-19 चल रहा है लेकिन हमारा प्रयास होगा कि हम बच्चों को ऑनलाइन मोड से जितना संभव हो सकता है उतना हम उनको शिक्षा दें और जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित होती हैं 100% ईमानदारी के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ हम उसको धरातल पर लागू कर पाएंगे।